बहुत से भाइयों की इच्छा होती है कि वो भैंस नहीं खरीदें, वो नई भैंस ही खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए दिलदारनगर के मेला मंडी से एक नई भैंस को दिखाया जा रहा है। दिलदारनगर के मेला मंडी में जब भी आप लोग आएंगे तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक भैंसे आप लोग को देखने को मिलेंगे। का नाम है भैया? का नाम? मिठाई यादव। मिठाई यादव हैं, ये बिल्कुल मिठाई की तरह हैं। अब देखते हैं कि मिठाई की तरह हैं कि क्या। बच्चा क्या है भैया? पाड़ा। बच्चा पाड़ा है, कितने दिन का हो गया? 15 दिन हो गया। ये बच्चा 15 दिन का है, स्पष्ट ये अपने मुँह से ही बोल दिए। और कौन से बयान में है? पहला है, पहले में। इसका आप दूध भी बताइए भैया, कितना दूध है अभी? 10 लीटर। ये दोनों टाइम का दूध बता रहे हैं? हाँ, दोनों। 10 लीटर दूध भैया बता रहे हैं। का दाम रखे हैं मिठाई भैया? एकदम सही बोलिएगा, देने वाला दाम बोलिएगा। मांग रहे हैं इसका 85, लेके बेचेंगे 80। बोल रहे हैं भैया कि मांग रहे हैं 85, बेचेंगे 80 पे। ऊंची कदकाठी की भैंस है। बांध दीजिए, ये भैंस अगर 65-66 के इर्द गिर्द आ जाए तो ऊंची है। 65-65 के आस। बांध दीजिए, बांध दीजिए, बांध दीजिए। आज 3 दिन का बच्चा दे रहे हैं कि विश्वास पर चली है। विश्वास तो कर दो, तो विश्वास पर तो आप की ना। आज खुद पर ना चढ़ है, खुद पर चढ़ के फारे ला तो फारित नहीं तो ना जाए इनकी ना उठे बेचे बेचला को मोल होला। दिलदारनगर के मेला मंडी से एक और भैंस को दिखाया जा रहा है। डेयरी फार्म या घर के लिए रखने के योग्य सबसे उपयोगी भैंस है ये। दूध की भैंस है, काफी अच्छी दूध करेगी। अनुमानता टाइम का दूध 6-7 किलो आराम से करेगी। बच्चा क्या है भैया इसका? बच्चा पाड़ा है। कितने दिन का है? 3 रोज का। 3 रोज का बच्चा पाड़ा। बच्चा ये रहा यहाँ। ये कौन से बयान में है? दूसरी बयान में। दूसरी में बता रहे हैं आप? पक्की खबर है? तो हमें लग रही है कि तीसरी से कम नहीं, दूसरी। एक बार घुमा दीजिए बाबू, कष्ट कीजिए। इसका दूध भी बताइए भैया। 14 किलो दूध बता रहे हैं भैया। तुम मतलब बढ़िया बात बताओ। बढ़िया भैया, बढ़िया बताते, खराब भी ना बताओ। समझा? हम कहते हैं का दाम रखे हैं भैया? का दाम रखे? दाम तो सर 1.5 मांगते हैं। जरा देने वाला बताइए इसका दाम। देने वाला उचित बताइए, उचित 90 से ऊपर बेचेंगे। 90 से ऊपर? हाँ, बहुत नीक है। Yeah.
अभी अभी आप लोग इसी भैंस को देख रहे थे, बच्चा इसके पास पाना है। दूसरे ब्यात में बताई जा रही है टाइम का दूध इसका 7 लीटर बताया जा रहा है। काफ़ी अच्छी एक ये दूध की भैंस है, अच्छी दूध देगी है ना। और इसका दाम 90,000 रुपये बताया जा रहा है। हमें लग रहा है कि अगर कोई उचित व्यक्ति यहाँ तक पहुँचते हैं और इसके लिए बातें चलाते हैं तो ज़रूर कुछ ये भैंस अच्छे दाम पर आ जाएगी, संभवतः वही 75-80 के इर्द गिर्द। भाई लोग यहाँ देखिए, दिलदार नगर के मेला मंडी में एक और भैंस बिक रही है। अब हम लोग देखेंगे कि ये भैंस कितने रुपए में बिक रही है। बच्चा इसके पास फीमेल पड़िया है, ले जाओ। गुरुजी हाँ ठीक है जी, ठीक है ना। किस जगह से आते हैं आप? इटावा से। अच्छा भूल गए। इटावा से चाचा आते हैं, कितने में लिए हैं इसको? लिया हम 71। 71,000 रुपए में बता रहे हैं। बच्चा इसके पास पड़िया है, पड़िया है। कितना में बेचा है इसको? 71 बता रहे हैं वो तो। आप बोलिए, उचित बोलिए। 77? अरे नहीं यार, 67। पूरे 67,000 रुपए में इस भैंस की खरीदी किया गया है। कहीं ना कहीं ये व्यापारी भाई हैं और कहीं ना कहीं आगे ले जाके इनको भी दो वक्त की रोजी रोटी कमानी है, इस वजह से शायद इसका कीमत वो उचित नहीं बताए, अनुचित बताए। पूरे 67 में बेचे हैं ना भैया? पूरा 67 पानी बच्चा बढ़िया। बस ना मारिए। रहने दीजिए। बस रहने दीजिए भैया। एक अच्छी भैंस है, नई भैंस है। कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि इसकी खरीदी जो 67,000 रुपए में हुई है वो कैसी है, उचित है या अनुचित है। 67,000 पूरे 67,000 रुपए वाली जो पर्ची है, देखिए डेट के साथ है, 17/12/2023 के दिन 67,000 रुपए में इस भैंस की खरीदी किया गया है। बच्चा पढ़िया है। दिलदार नगर के मेला मंडी में विकास की ये दो भैंसें आप लोगों को दिख रही है। विकास भाई दो भैंसें लेके आए हैं क्या? विकास हाँ भैया, चार हैं। गिनती की चार हैं लेकिन दो को घुमा रहे हैं। विकास भाई इधर थोड़ा ले चलिए लंबा चाल में। इन भैंसों को इसलिए घुमा के दिखाया जा रहा है कि कोई ग्राहक इन्हें देखे और पसंद करके इनकी खरीदी करे। दोनों के दोनों भैंसें अपने अपने जगह पे उचित हैं। दिलदार नगर के मेला मंडी में विकास के यहाँ एक ये भैंस आई है बिक्री होने के लिए। विकास इसके बारे में बताइए आप। भैया तीसरे ब्याज में है। हाँ ले आइए इधर। तीसरे ब्याज में दूध 14 किलो बच्चा पड़िया है, बच्चा पानी है, दूध इसका बता रहे हैं 14 किलो, 7 किलो टाइम का दूध बता रहे हैं। तो क्या दाम रखे हैं? दाम मांगने को 35 जरा उचित बताइए कहाँ तक होगी? 5 1.35 इसका दाम बता के बोल रहे हैं। 1.5
विकास भाई जरा देने वाला दाम बताइए एकदम, तो कहाँ तक होगी? समझ लीजिए कि मोले भाव वाले दाम 95 से कम के नहीं बिकेगी। 95,000 बच्चा पानी है ना? विकास के यहाँ एक और भैंस आई हुई है। विकास भाई इसके बारे में बताइए। पहली बयान में है, चार दांत है। पहली बयान में है? हाँ भैया, चार चार दांत में है। लेकिन दूध के लिए तो भैया नदी, दूध के लिए नदी है। हाँ, अभी बच्चे को पिला के 11 किलो दूध चाहिए। ऐसा ना हो कि नदी नहर बन जाए। नहीं भैया, नदी है, नदी है, नहीं बनेगी। और नहर भी बनेगी तो स्वेज बनेगी, स्वेज नहर। इसका बच्चा क्या बोला है? बच्चा पड़ा है। क्या दाम रखे है इसका? इसका दाम 95 मांगा है। 95, जरा उचित बताइए। उचित उचित 85 पे। कितना? 85 85 85,000 रुपये में इसे बताया जा रहा है। भाई लोग, मैं बार बार वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि यहां से जो भी आप लोगों को कीमत बताया जाता है इस मेला मंडी से भैंसों का, वो कीमत फिक्स वाला नहीं होता है। कोई नहीं चाहता है कि वो अपनी भैंसों का कीमत बिल्कुल नज़दीक वाला बताएं, वो फेंक के ही दाम बताते हैं, ऊँचा ही बताते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है ना? बहादुर चा के हाथ में एक भैंस नजर आ रही है। हाँ जी, खरीद लिए हैं क्या? ये पहली भैंस है या फिर? नहीं, तीसरी। तीसरी लगता है। दो भैंस पहले खरीद चुके हैं आप? हाँ, देखिए इसका थन पहले। बढ़िया है, बच्चा इसके पास पड़ा। बोला बहादुर अंकल, कितने दे? तो 250 दे दिया। बहादुर चा, इसकी खरीदी कितने में? 52,000 रुपए में इस भैंस की ये खरीदी किए हैं। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है। 150 दे बहादुर अंकल। पूरे पूरे 52,000 रुपए में इसकी खरीदी बता रहे हैं। इसकी पर्ची दिखाएंगे? एकदम दिखाएंगे। अरे लगे बिल्टी में। अच्छा, उसमें हो गई। अब लगता आप जाएंगे यहाँ से लेके भैंसे। भैंसे पूरी हो गई? तीन तीन हो गई। चार किलो पानी में ना दूध है ना, तो भाज ना एगो सिक्का ना ले। अब मिलावा हाथ, जुआ बताओ धरो, बाहर ढंग की नेता का मिलावा। 8 दिन दूह है, धाल खोहल बर गई वाला चोरा कर दे का ध्यान कर दे। एक भी साहब, आओ हम सब बताओ। विकास के यहाँ जो एक बड़ी भैंस आई थी उसी की बिक्री यहाँ पे आरंभ है। ये भैंस बिक रही है, बच्चा लगभग 15 दिन से ऊपर का ही है, और इसकी बिक्री यहाँ पे हमें 95,000 रुपये बताई जा रही है। अभी हम लोग देखेंगे कि
भैंस ओरिजिनल किस दाम में बिकी है? आइए यहाँ, आओ यहाँ पे बाबू। हमारे पीछे एक लड़के हैं, है ना, युवा, और कहीं ना कहीं इस भैंस की खरीदी के लिए बातें चला रहे थे ना भाई जी। आप कितना लगा रहे थे, सत्य बोलिएगा? 85 लगा रहे थे। आप 85 लगा रहे थे, ये देखिए यहाँ पे ये भैंस पूरे पूरे 95 में बिकी है। हमें 95 बता रहे हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल कितने में बिकी है। हमारे बगल में मास्टर जी आए हैं सासाराम से, और मास्टर जी को भी एक भैंस चाहिए कहीं ना कहीं अपनी जरूरत को यहाँ पे पूरा करने के लिए आए हैं। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए आपके सामने ये भैंस हमें बताई जा रही है कि 95 में बिक रही है, 95। बच्चा पढ़िया देखो। मास्टर जी सासाराम से आए हैं, इससे पहले भी आप यहाँ के मेला मंडी से एक भैंस ले गए हैं। 22 में? हाँ 2022 में, अब ये 2023 है, कहीं ना कहीं दाम थोड़ा ऊंचा जरूर हो गया होगा। 16 अगस्त 2022। मास्टर जी धर्म सही है ना? भैंस भी सही है, लेकिन दाम थोड़ा सा लग रहा है कि ऊंचा जा रहा है। चलिए, इसकी खरीदी यहाँ पे कर लिया गया, जो अनुभव वाले व्यक्ति थे इस भैंस को पास कर लिया। अरे अरे जुटाओ का, विकास भाई कितने में बिकी है? विकास भाई 95 पूरे पूरे 95 में ही बिकी है। मास्टर जी पूरे पूरे 95 में गई है। सासाराम से मास्टर जी आए हैं और वो इस मिनी भैंस को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जता रहे हैं इसकी खरीदी के लिए। अगर इनके बजट में आएगा तो कहीं ना कहीं जरूर इसकी खरीदी करेंगे। दिलदार नगर के मेला मंडी में देखिए ये बलिस्टर यादव की भैंस बिक रही है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी बिक्री कितने रुपए में हो रही है। बच्चा इसके पास हम देख रहे हैं, फीमेल है, पड़िया। अब जो नए व्यक्ति हैं उन्हें मालूम ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। लोग बहुत अचंभित तरीके से इस तरह के बनते हुए वीडियो के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी अपना कार्य है, कहीं ना कहीं इसको हम जारी रखते हैं किसी भी विषम परिस्थिति में। दूसरे में है राजा।
पलिस्टर चाहे किस कितने में बेचे हैं इसे? बेचाए नहीं है 64। पूरे पूरे 64,000 रुपये में इसे बता रहे हैं। ये सत्य बातें हैं, इसमें थोड़ा भी बनावटी नहीं किया जा रहा है। पूरे पूरे 64 में गाड़ी बचा है, बच्चा पड़िया है, अभी दूसरा बियान है, 10 लीटर दूध है। बहुत सुंदर बिहार के भी है, बिहार के कैमूर जिला। विपिन जी लगाइए हाथ दबा के और बारीकी से देखिए। देखे है ना बढ़िया से, इस भैंस की खरीदी जो एमपी से आए हुए ग्राहक हैं वही किए हैं ना भैया। हमारे कैमरे के पीछे हैं और एक भैया ये हैं, शुभ नाम अशोक कुशवाहा, अशोक कुशवाहा हैं और उन्हीं के लिए ये भैंस खरीदी जा रही है। वो रस्सी पकड़िए, रस्सी। अशोक भैया बच्चा क्या है? बच्चा बच्चा पाना है। अशोक भाई अशोक भाई कितने में हुए? 64,000 रुपीज में इस भैंस की यहाँ पे खरीदी किया गया है। अच्छी है, दिलदार नगर के मेला मंडी से गोरख भैया अभी अभी एक भैंस की खरीदी किए हैं। 11 बजे के का इतना सुना गोरख भैया, कितने में खरीदी किए हैं? सही बोले 52,500। बच्चा क्या है? पाड़ा है, अभी रात को बच्चा दिया, देखिए उसको पूरा कितना दूध देगी ये? अभी देखिए अंदाजा लगा कर भैया की दूध का कवरा का हेवा बन लगे 4 किलो का कहां पर 3.5 किलो से करते हैं चाहिए कितना 3.5 किलो 4 किलो तो कहां पर 3.5 किलो 4 किलो पूरे 52,000 रुपए में खरीदी किए हैं। बच्चा आज ही का दिया है, बच्चा है 10 किलो से अच्छा अच्छा तो कितना ढेर ना हुए बोला यहाँ जो आप लोग एक भैंस देख रहे हैं ये नीतीश भाई की है ना? नीतीश भाई इसके बारे में आप बताइए। दांत में 2 से 4 हो रही है, दांत में 2 से 4 हो रही है। बच्चा पड़िया, बच्चा पड़िया है, कितने दिन की है पड़िया? 4 रोज। अरे हे हार हो खाकी हो माँ का जात हो, 4 रोज का बच्चा है पड़िया। इसका दूध भी बताइए आप, 10 किलो हो गया है। दूध 10 किलो बता रहे हैं, गारंटी वारंटी नहीं ना है? वारंटी नहीं है, दुहाई की है तो लिख के देंगे गारंटी। हाँ, लिख के दे देंगे। अच्छा नीतीश भाई इसका दाम भी बताइए आप। दाम 85। 85, थोड़ा इधर ले आइए, जो 85,000 रुपए वाली भैंस है उसे दिखाएं बढ़िया से ताकि लोगों को मालूम चले। इधर 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 एक बार और ले आइए नीतीश भैया, एक ओरिजिनल दाम जरा बताइए। 75,000 रुपए में इस भैंस को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो कीमत है वो एकदम निर्धारित वाला है, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ मान सम्मान होगा कि वही बात जब आप यहाँ पे आएंगे तभी होगा। बच्चा पड़िया है, भैंस ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दिलदार नगर के मेला मंडी से बहुत से भाई चाहते हैं कि भैंसों की खरीदी करके वो दूर दराज ले जाए, पटना बनारस
गया जहाँ भी। तो देखिए बगल में पिकअप ड्राइवर हैं, क्या नाम है? मंटू भैया हैं और कहीं ना कहीं ये पिकअप चलाते हैं। अपना नंबर बोलिए, जरूरतमंद लोग बोलेंगे आपसे। 74 88 87 83 87 53 43। ये इनका मोबाइल नंबर है, गाड़ी के लिए संपर्क कर सकते हैं, छोटी गाड़ी के लिए है ना। ठीक है, अभी अभी एक सौदा हो रहा है जिसमें आप लोग देखेंगे कि ये भैंस बढ़िया हो जाएगी। अरे ये जो आप लोग भैंस देख रहे हैं इसकी अभी अभी खरीदी हो रही है, जो सासाराम से चल करके मास्टर जी आए हैं। मास्टर जी इसकी खरीदी हो गई। काफी ऊंची है, जैसे आप लंबे हैं वैसे ये भैंस भी है ना। नहीं भैंस है, कितने पता कराए हैं इसको? सब अपन संतान, 55 संतान अभी फिक्स नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, पुष्टि करके बताइएगा। आपके लड़के बात किए हैं? इसकी खरीदी यहाँ पे 56,000 रुपए से लेकर 57,000 रुपए तक बताया जा रहा है। मामा पूरा गड्ढा जोर लगा हुआ दुहाई के दुहाई ना बा के दुहाई ऐसा ना हो। धार दे दीजिए मुँह पर। अरे दुहाई कहबे कने ना कने की बात करे में बारी के बिकाई नहीं के 60 पर पड़िया नहीं खींचे चले हम के पारी इतना सीधा ना से इतना सीधा भैया छोड़ दी। ठीक है ठीक है, घुमा दी ना अबो देखिए ये दुहाई तो पहले भी एक खोला भाई के दुहाई ना हो। ठीक है दुहाई में ठीक है। मास्टर जी की खरीदी हुई भैंस की पर्ची 56,000 रुपए में तैयार हो गई। और भैंस देखिए वहाँ पे है, बच्चा इसके पास पड़िया फीमेल है, काफी सुंदर। पूरे 56,000 रुपए में इसकी खरीदी किया गया है। 56 ये आपके मामा जी हैं? क्या नाम है? अच्छा, और आपका नाम? भैया का नाम? चंचल ज्वाला। इनका नाम? चंदन ज्वाला। चलिए बहुत अच्छा। मास्टर जी का शुभ नाम? मंटू भाई पिकअप ड्राइवर अपने पिकअप में लोड करने के लिए इस भैंस को देखिए लेके जा रहे हैं, मास्टर साहब के लड़के है ना।